पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। यह पिता परमेश्वर कौन है? हम लोगों को पिता परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है? क्या सबका ही परमेश्वर पिता है? आइए इन बातों को समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय उसके तीसरे वचन को देखते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जीवन तो सबके पास है। यदि हम लोग अनंत जीवन चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को जानें कि वो पिता समान कैसे हैं और प्रभु यीशु मसीह को जानें कि वो कैसे परमेश्वर के पुत्र हैं। इंग्लिश में परमेश्वर को गॉड कहते हैं। जी का अर्थ जनरेटर, भाव सृष्टि करता, इसको जनरेट करने वाला। ओ का भाव ऑपरेटर, इस सृष्टि को चलाने वाला। डी का भाव डिस्ट्रॉय, भाव सृष्टि का अधिकार रखने वाला, इसको खत्म भी कर सकता है। उत्पत्ति 1:1 में ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ऐसी शक्ति है, ना किसी चीज को लेकर भी सब कुछ पैदा कर सकते हैं। परमेश्वर ने सब काम प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर किए। और इब्रानिया 1:2-3 में ऐसा लिखा है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी समर्था के वचन से संभालता है। पूरी सृष्टि की देखरेख करना और पूरी सृष्टि को ऑपरेट करना, चलाना, ये किसी इंसान के वश की बात नहीं, ये तो परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में ही इस सृष्टि के अंत के बारे में लिखा है। और दूसरा पत्रस और तीसरे अध्याय के 10 वचन में आकाश और पृथ्वी की जलजलाहट के बारे में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर ही अथाह शक्ति के मालिक हैं। आज विद्वान लोग सृष्टि की हुई चीज़ों की जानकारी को रखना एक उत्तम बात जानते हैं। सृष्टि की जानकारी लेना, सृष्टि को समझना कोई बुरी बात नहीं। इससे बढ़कर जो सृष्टि को चला रहा है उसको समझना अति महत्वपूर्ण हमारे लिए है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, जिसको हम पिता बोलते हैं, वो पूरी सृष्टि का क्रिएटर है। परमेश्वर वचन है। यूहन्ना सुसमाचार 1:1 में लिखा है, परमेश्वर वचन है। वचन उस बात को कहा जा सकता है जो एक बार बोल दिया जाए तो वो कभी भी टल ना सके, उसको वचन कहा जाता है। यह वचन व्यर्थ नहीं जाता या बदला नहीं जाता। यशाया 55:11 में ऐसा लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो
मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर का वचन अधूरा नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा है। और मरकुस 13:31 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है मगर परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। मत्ती 5:14 लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है, उसमें कोई भी कमी नहीं। सिद्ध का अर्थ हर व्यवस्था को पूरा करना, हर अरेंजमेंट को अच्छी रीति से करना। इसलिए ही परमेश्वर को पिता कहना सही है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव जंतु है, इंसान है, उन सब को रोटी देना ये परमेश्वर का ही काम है, इसलिए उसको पिता कहते हैं। पिता का भाव आध्यात्मिक रोटी को भी पूरा करना और शारीरिक रोटी को भी देने के लिए ख्याल रखना, ये काम सब जीव जंतु के लिए परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए परमेश्वर को पिता कहना बिल्कुल सही है। अब सब लोग परमेश्वर को पिता कह सकते हैं यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें, तो इसमें कुछ बातें हैं, उन बातों को पूरा करके ही हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 1 उसके 12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अभी पिता कहने का अधिकार उन लोगों के पास है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। वो ही लोग पिता परमेश्वर को कह सकते हैं। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं उन सब लोगों ने वचन में भूल नहीं करनी। याकूब 3:2 में लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब्राहम को परमेश्वर ने यही कहा था, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इन वचनों का भाव यही है कि परमेश्वर जैसा है वैसे ही अपनी संतान को चाहता है। इसलिए जेकर आज आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक रूप में ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद आप उसके वचन पर पूरी रीति से खड़ जाएं और फिर प्रभु के साथ साथ चलना शुरू करें। जैसे अब्राहम ने शुरू किया तो परमेश्वर ने उसको यही बोला कि मेरे संग चल और सिद्ध होता जा। और ऐसे लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर लेने आएगा। आइए आज हम एक अच्छा निर्णय लें और निर्णय लेकर सिद्ध होते जाएं। जब हम वचन के साथ सिद्ध होते जाएंगे
तो जो संसार की तकलीफें हैं, जो संसार की बवा है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होनी पाएगी, क्योंकि यही पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। आमीन।